नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडवांस रियल्टी ग्रुप के एक नए और जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज हम खड़े हैं विशाल नगर के बिल्कुल सामने, गांधी पथ वेस्ट पे हम लोग खड़े हैं। आज हम आपको दिखाने वाले डुप्लेक्स विला, जो कि बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोकेशन के बारे में बात करेंगे ब्रीफली। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो सबसे पहले अपन लोकेशन की बात करते हैं तो विशाल नगर से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर आपको मिल जाता है मेन रोड। अगर गांधीपथ वेस्ट की मेन रोड की अगर बात करता हूं, मैं गांधीपथ की बात करता हूं, तो मुश्किल से आपको जो है 2 प्लॉट छोड़ के आपको ये लोकेशन आपको मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं विला की फेसिंग के बारे में, तो ईस्ट फेसिंग का विला आपको यहाँ पे मिल जाता है। 100 गज में बना हुआ विला है। अपन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। एक बार फ्रंट टेलीविजन दिखा दीजिए कैमरामैन जी, कितना जबरदस्त फ्रंट टेलीविजन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सामने की तरफ SS की रेलिंग लगा के टफन ग्लास यहाँ पे दिया गया। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट टेलीविजन के साथ आपको ये विला यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपन जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग का एरिया मिल जाता है। उससे पहले देखते हैं तो यहाँ पे आपको आयरन का गेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत आयरन के गेट भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं तो पोच के एरिया की बात करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको, जिसमें आपकी सिडान कार आराम से इजीली आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। साथ साथ में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप अपनी स्कूटी या बाइक को भी आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं पोच के एरिया में तो वाटर टैंक आपको मिल जाता है, जो कि लगभग कैपेसिटी की बात करूँ तो 5 से 7 हज़ार लीटर कैपेसिटी आपको यहाँ पे वाटर की इसमें कैपेसिटी मिल जाती है। ऊपर की तरफ एक बार दिखा दी, जो स्ट्रक्चर जो किया गया, कलर कॉम्बिनेशन जो किया गया, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो अपन बात करते हैं इसके फ्रंट की, तो 20 का फ्रंट है, बहुत ही अच्छा फ्रंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि जो है पार्किंग का स्पेस बहुत अच्छा इसमें आपको दिखाई देने वाला है। फिर अपन जैसे विला के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले विला में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वुडन का जो काम किया गया, बहुत ही खूबसूरत वुडन का काम किया गया है। यहाँ पे आपका डाइनिंग ड्राइंग का स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो एक बार पास में आके दिखा दीजिए कैमरामैन जी, जो कि यहाँ टीवी पैनल का जो लुक है, बहुत ही वुडन का बहुत अच्छा काम करके यहाँ पे टीवी पैनल का लुक दिया गया है। फिर इधर की तरफ देखते हैं जो स्टेयर्स के नीचे की तरफ पूरा यहाँ पे कवर किया गया है, यहाँ पे आपको जो है एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, साथ साथ में इन्वर्टर वगैरह भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ रेलिंग आपको टफन ग्लास लगा के यहाँ पे आपको SS की रेलिंग दी गई है। साथ साथ में इधर की तरफ बात करते हैं अपन तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर की डिज़ाइन जो दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल और डिसेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सामने की तरफ बात करते हैं तो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिर यहाँ पे देखते हैं फैन के जो डिज़ाइन देखते हैं, बहुत खूबसूरत फैन की डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। साथ साथ में फॉल सीलिंग का जो नज़ारा है वो भी एक बार दिखा दीजिए। फिर देखते हैं अपन इधर की तरफ जो है किचन लुक जो है वो देख लेते हैं। एल शेप में यहाँ पे किचन आपको दिखाई देने वाला है। किचन की साइज़ भी बहुत अच्छी साइज़ है। साथ साथ में यहाँ पे मार्बल का यहाँ पे काम किया गया है, साथ साथ टाइल्स का भी यहाँ पे वर्क किया गया है। पूरा फुली मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि वुडन का यहाँ पे पूरा काम किया गया, बहुत ही खूबसूरत काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको विंडो मिल जाती है, जो कि सफोकेशन ना हो और वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पे बना रहे, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक रूम करके अपन देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको जो कॉमन वॉशरूम है उसका एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ। इधर से एक बार दिखाइए, साइजेज जो है वॉशरूम की बहुत ही अच्छी साइजेज यहाँ पे दी गई है। प्रॉपर वेंटिलेशन का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो सेरा जैसी कंपनी की यहाँ पे आपको फिटिंग देखने को मिल जाती है। फिर देखते हैं रूम के अंदर अपन बढ़ते हैं इस वाले रूम के अंदर। अच्छा, इस वॉशरूम के जो सबसे अच्छी बात है, ये वॉशरूम आपको कॉमन और अटैच दोनों यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे रूम के अगर साइज़ की बात करता हूँ तो लगभग 14.5 से 14.25 के आसपास रूम मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे स्पेसियस रूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको गोल्डन थीम में यहाँ पे वॉल पेंटिंग दी गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इधर की तरफ देखते हैं तो पूरा आप एक बार दिखा दीजिए, पूरा यहाँ पे वुडन का काम किया गया। टीवी पैनल यहाँ पे जो है लगाने के लिए भी स्पेस यहाँ पे दिया गया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको पूरा वुडन का काम आपको दिखाई यहाँ पे देने वाला है। फिर यहाँ पे एक बार फ्लोरिंग के भी एक बार डिजाइन दिखा दीजिए, टाइल्स जो है उनके भी डिजाइन दिखा दीजिए। फिर देखते हैं इस रूम के अंदर ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग की डिजाइन, वो भी बहुत ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग की डिजाइन यहाँ पे दी गई है। साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहां जहां AC फिटिंग की आपको नीड है वहां आपको प्रॉपर AC फिटिंग यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसे मैं बता रहा था वॉशरूम की बात में बता रहा था, तो आपको उधर से कॉमन मिल जाता है वो वॉशरूम, आपको इधर से ये वॉशरूम अटैच आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। फिर इसमें पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए मान लीजिए आप, या फिर वॉशेबल एरिया के लिए मान लीजिए जगह एक बार दिखा दीजिए। ऊपर जाल से बाकायदा कवर्ड की गई है, जो कि सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। फिर अपन बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, जो 2 रूम है उनको देखते हैं अपन कि वो कैसे बने हुए। तो स्पेसियस यानी कि अगर फ्रंट आपको 20 का मिल जाता है तो बहुत ही स्पेसियस विला आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ग्रेनाइट के यहाँ पे जो है स्टेयर्स आपको दी गई है। साथ साथ में यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो फुट लैंप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
इधर की तरफ गोल्डन थीम लगा के बहुत ही खूबसूरती इसकी यहाँ पे बढ़ाई गई है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक बार फॉल सीलिंग दिखाते हुए लेके आइए, कितनी जबरदस्त फॉल सीलिंग का भी काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि आपके लिविंग एरिया के लिए बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे निकल के मिलने वाला है। तो पीछे वाला रूम देख लेते हैं अपन पहले एक बार। तो यहाँ पे पीछे वाले रूम की अगर मैं बात करता हूँ तो रूम का साइज बहुत ही अच्छा साइज यहाँ पे दिया गया है, वही लगभग 15x14 के आसपास की साइज है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर मास्टर बेडरूम, इधर एक बार दिखाइए मास्टर बेडरूम का एक बार लुक दिखा दीजिए। फिर इधर देखते हैं सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको पूरा टीवी पैनल का बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है जो कि पूरा वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। बहुत ही स्पेसियस यहाँ पे वुडन की फ्लोरिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का नजारा एक बार दिखा दीजिए। फिर इस रूम में इधर सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्रेसिंग की स्पेस मिल जाता है जो कि एक बार दिखाइए, उसके बाद आपको वॉशरूम मिल जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की बात करूं तो बहुत ही अच्छे साइज में वॉशरूम, साथ साथ में टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन का यहाँ पे ध्यान रखा गया है ताकि यहाँ पे बिल्कुल सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन सनलाइट प्रॉपर यहाँ पे बनी रहे, उसका भी पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। पीछे की तरफ जो कि मैंने बताया था नीचे से जाल लगा के पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। फिर देखते हैं जो सामने की तरफ जो रूम बना हुआ है उसका एक बार अपन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 20 का यहाँ पे फ्रंट मिलने वाला है, 45 का आपको डेप्थ मिलने वाली है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 100 गज के अंदर आपको ये मिलने वाला है, 20x45 की साइज है। इस रूम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको ये साइज मिल जाती है लगभग 12x12 के आसपास की साइज यहाँ पे रूम में मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी साइज यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर इधर विंडो रखा गया है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग की जो डिजाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। फिर देखते हैं इधर इसमें भी अटैच जो वॉशरूम है उसका एक बार लुक दिखा दीजिए, विद ड्रेसिंग आपको अटैच वॉशरूम का लुक आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा गया है, साथ साथ में वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर आपको ध्यान रखा आपके लिए ध्यान रखा गया है। फिर देखते हैं इधर सामने की तरफ आपको जो है बालकनी का स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत बालकनी का स्पेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। प्रॉपर यहाँ पे बालकनी का स्पेस रखा गया है। इस स्पेस की बात करूँ तो बहुत, अब इधर की तरफ भी आके दिखा दीजिए पूरा एकदम पूरा स्पेस आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे अगर बसआउट की बात करूँ तो लगभग 95% आपको ऑक्यूपाइड पूरा एरिया मिल जाता है, पूरा लगभग लगभग पूरा बसआउट यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे अपने डायमेंशन की बात करी 20x45 का डायमेंशन है, 100 वर्ग गज के अंदर आपको ये विला मिलने वाला है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे जो ईस्ट फेसिंग जो ये विला है, अगर मैं कॉर्नर विला की बात करूँ तो 78 लाख इसकी आस्किंग प्राइस रखी गई है। बाकी जो दो विला जो है ईस्ट फेसिंग उनकी 75 लाख रुपये यहाँ पे आस्किंग रेट रखी गई है। लोकेशन के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत विला आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं उनके नंबर आपको मैं दे दूंगा, उनको जाके आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी वहाँ से ले सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।